तो जय माँ भवानी का आज के इस वीडियो के अंदर यार ये ब्लॉग बना वाला है कि हमारे क्या बड़े भैया है जो कि मुकेश भाई के बड़े भाई जो कि न्यू कार लेकर आए हैं। आप देख सकते हो बोलेरो कार है और जो कि इसको अभी पता नहीं किसके अंदर चलाएंगे। बाकी अगर भवानी न्यू कार लेकर आए जो कि हम आए माता जी के मंदिर के अंदर जो कि हमारी माँ भवानी है सब कुछ हम अपनी माँ को ही सबसे बड़ा मानते हैं। तो माँ के मंदिर में आए और यहाँ पे दुकाने के लिए लेकर आए तो गैस गाड़ी करने वाले पूजा थोड़ी देर के अंदर तो भैया उस तरफ खड़े हैं तो उनके पास अब चलने वाले हैं अपन। तो ये देख सकते हो भैया उस तरफ खड़े गैस और ये वाली कार है काफी खतरनाक है और काफी खतरनाक है मतलब कि शानदार काफी स्पीड से चलती है गाइस और ये बड़ी माला लगा रखी है इसके और मतलब पुजारी जी आएंगे और इनकी पूजा वूजा करेंगे। तो गैस आपको ये वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब पक्का करना। तो गैस अभी पूजा वगैरह स्टार्ट होती है तो मैं रोक लेता हूँ थोड़ी देर कैमरा। चल रहा माता जी के मंदिर के अंदर और यहाँ से दो गेट पर चल रहे हैं गाइस। तो जी देख सकते हो आप अंदर आ चुके हैं अपन और मतलब कि ये हमारी माँ भवानी का मंदिर है जो कि काफ़ी सुंदर मंदिर है, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा मंदिर है। और ये हमारे अपने भाई है जो कि ये हीरा भैया है, हीरा बडलिया। और गाइस ये वाले रॉयल हो गए ना तो आज हीरा भैया पीने वाले गाइस आज हीरा भैया यही पीएंगे, फुल पार्टी करेंगे हीरा भैया यही पीएंगे आज। बाकी यार गाइस भैया को देख सकते हो, चलो भैया चलो चलो। तो गाइस यार अब भी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो गाइस आप देख सकते हो अंदर का नज़ारा काफ़ी शानदार है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और ये माँ भवानी है जो कि अंदर हमारी बड़ला गांव की कुंडिया रानी है जो कि इसका मंदिर है और बहुत ही अच्छा मंदिर है। इस मंदिर को देखने के बाद में और इस मंदिर के अंदर आने के बाद सभी की मनोकामना पूरी होती है। तो आप भी एक बार ज़रूर आए इस मंदिर के अंदर। बाकी ये बड़े भैया को आप देख सकते हो। बाकी गाइस ये मंदिर हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और आप भी एक बार आना चाहो तो कमेंट बॉक्स में आपकी राय हमें ज़रूर दें। बाकी आ सकते हो गाइस, और सभी लोग आते रहते हैं यार, तो मैं तो हमेशा आता हूँ और हर संडे को आता हूँ और माँ के चरणों में आके जाता हूँ हर संडे को और माँ को काफ़ी मानता हूँ मैं। और यहाँ से हमको जो भी मन्नत मांगनी होती है यहाँ पे थोड़ा सर लगा लेता है तो फिर हमारी मन्नत पूरी हो जाती है गैस। और ये आके हमें बहुत ही अच्छा लगता है गैस, हमें बहुत अच्छा और बहुत अच्छा महसूस होता है माँ के मंदिर में आने के बाद में, क्योंकि अब सभी समझते हो कि यार भगवान तो भगवान होते हैं और माँ का यानी कि आशीर्वाद हमारे सदा हमारे ऊपर रहें। तो ये आप देख सकते हो माँ का मंदिर और आपको भी काफ़ी अच्छा फील होता होगा। अगर ये वीडियो देख के फील हो रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर देना, क्योंकि मैं अक्सर में गाइस ऐसे व्लॉग वगैरह लेके आता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि मैं आपके लिए तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये एक मंदिर है अंदर माँ का और बाकी यहाँ पे एक पुजारी जी रहते हैं जिनको हमारे गाँव की भाषा के अंदर भोपा जी भी बोलते हैं। बाकी ये वाले हैं पुजारी जी और गाँव की भाषा के अंदर पुजारी बोल वो सॉरी गाँव की भाषा के अंदर भोपा जी बोलते हैं। बाकी गाइस आपके क्या बोलते हैं कमेंट में आपकी राय हमें ज़रूर दें। बाकी गाइस ये प्रसाद है यानी कि ये एक बोतल है जो कि अंदर हम चढ़ाने वाले हैं और इसको चढ़ाते हैं यानी कि जोत के अंदर भी डालते हैं थोड़ा सा और अंदर भी लेके जाते हैं, पता नहीं अंदर शायद शेर के मुँह में डालते हैं या फिर वहाँ पर रखते हैं। बाकी गाइस ये बोतल मतलब कि वहाँ पर चढ़ाई जाती हैं और भैरू जी उस तरफ तो भैरू जी की भी चढ़ाई जाती हैं। इसको आप देख सकते हो जोत के अंदर चढ़ाई जाती हैं कि माँ का जैसे भोग लग गया हो। बाकी का इस थोड़ा अंदर यहाँ पे रखते हैं, आप देख सकते हो अंदर यहाँ पे मुंह पे लगाते हैं माता जी के और यहाँ पे लगाने के बाद में मतलब कि एक जैसे कि दर्शन हो जाते हैं, मतलब कि माँ ने कर लिए हैं और माँ का लग चुका है गाइस। हाँ तो यार गाइस अब चलते हैं अपन पीछे की तरफ और जहाँ पे माँ का मतलब कि एक कुंड है यानी रहस्य में कुंड है, रहस्य में कुंड है। और मतलब अभी तो पैक कर देगा यार क्योंकि बच्चों वगैरह गिर जाने का काफी मतलब रिस्क है गाइस वहाँ पे। और ये रास्ता जाता है इस तरफ से, कुंड में जाने का रास्ता लिखा हुआ है यहाँ पे और भैया चल रहे आगे की तरफ। गाइस एक बार आप यहाँ पे आना जरूर, काफी अच्छा है मतलब कि काफी अच्छा लगता है यहाँ पे आना, देखने लायक नजारा है गाइस यहाँ पे। और यहाँ पे क्या यहाँ पे मतलब कि लोग लगा दे गए और बाकी लोग लगाए हुए हैं। चलो पीछे वाले कैमरे से दिखा देते हैं। हाँ दिखा दिखा। तो गाइस आप देखते तो यहाँ पे की जा रही है पूजा और पूजा काफ़ी मतलब कि अच्छे से की जाएगी। ये भोपा जी यानी कि पुजारी जी गाड़ी की पूजा कर रहे हैं जो कि यहाँ पे कपड़ा लगा रहे हैं और कपड़ा लगाने के बाद ही मतलब कि ये देख सकते हो आप कपड़ा लगा दिया,
यानी कि इसको एक माता जी की चुंदड़ी बोलते हैं, जो कि स्टीयरिंग के बांधी जाती है, क्योंकि इससे गाड़ी मतलब काफ़ी अच्छी होती है और एक अच्छी सी चलती है, यानी कि कभी कोई महसूस यानी कि कोई कमी कभी नहीं आए, तो उसके लिए यहाँ पर ये बांधी जाती है। और एक मौली भी बांध देते हैं, जो कि यहाँ पे मौली बांधने से अशुभ माना जाता है गाड़ी को। और एक गांव के अंदर जो भी मतलब कि एक गाड़ी लेकर आते हैं वो माता के ज़रूर आते हैं, इस गांव के सभी लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे दे लेन देन माता जी के मंदिर से ही करते हैं सभी लोग। कुछ भी नया या पुराना खरीदे तो यहाँ पे आके ज़रूर करते हैं। और गैस मैं तो अक्सर में यहीं पे आता हूँ, मेरे लिए तो यही एक बहुत अच्छा मंदिर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे माला भी पहनाई जा रही है गाड़ी को, और इस तरफ देख सकते हो। बाकी यार गाइस ये बड़ी वाली माला है, जो कि ये हमने दूर से ही पहले पहना के लेके आ गए थे, क्योंकि ये मतलब कि गाड़ी जहाँ से स्टार्ट कर ली हमने शोरूम से ली थी, वहाँ पे ही उन लोगों ने बोला कि भैया यहाँ से ही आपको हम आपको कंप्लीट करके देंगे, क्योंकि यहाँ से आपका मुहूर्त करेंगे हम। तो उन्होंने वहाँ पर ही बस मुहूर्त स्टार्ट किया, और बस यहाँ पर अब यानी कि इसके तिलक लगाए जा रहे हैं गाड़ी के, जो कि शायद इसको साटिया बोला जाता है, और आपकी भाषा में क्या बोला जाता है गैस वो हमें कमेंट में ज़रूर बताओ यार, और आपका कैसे वो हमें कमेंट बता सकते हो गैस। बाकी ये देख सकते हो जो कि ये पुजारी जी है, और बहुत ही अच्छे हैं पुजारी जी, जो कि एक मतलब के साधारण से ज़िंदगी जीते हैं। इन पुजारी जी को मतलब बिल्कुल भी घमंड नहीं है किसी चीज़ का। इन पुजारी के पास में एक छोटे से सभी बच्चे सभी लोग आते रहते हैं पुजारी जी के पास में, और आप ये देख सकते हो। बाकी यहाँ पर मतलब कि इन्होंने पूजा कंप्लीट कर दी है, और बस थोड़ी और बाकी है, बाकी यहाँ पे तो हो गई है गाइस। और इस तरफ अब गाड़ी स्टार्ट भी है, लेकिन मैंने ये म्यूज़िक रोक दिया है, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक की आवाज़ ज़्यादा ही आ रही थी। तो गाड़ी की मतलब कि आप देख सकते हो गई है पूजा, और उस तरफ भाई खड़े हैं, और उस तरफ हीरा भैया और एक मुस्टंड भैया खड़े हैं, जो कि वो भी काफ़ी अच्छा है, और जो कि ये भाई खड़े हैं यही इस गाड़ी को चलाएंगे। और पीछे है ना गाइस इसका वो लगा देंगे यानी कि पिकम बॉडी, तो ये पीछे पिकम बॉडी लगा देंगे, और आगे यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि साटे बांधे मंड जा रहे हैं, और यहाँ पे शुभ होता है साटे बांधने के बाद में, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे भी साटे